खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सकरन सीतापुर विकास खंड सकरन के कस्बा सकरन में आजादी के 75 वर्ष गांठ मनाते हुए झंडा रोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कस्बा सकरन निवासी मुन्ना लाल यादव नेता के आवास पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर महिलाओं के बारे में विशेष चर्चा की। महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा और महिलाओं को बराबर के दर्जा दिया जाए जिससे नारी सशक्तिकरण हो। महिलाएं, बच्चे आदि ने 15 अगस्त के अवसर पर लखनऊ से पधारे आशुतोष सिंह, संस्थापक डायनेमिक एजुकेशनल हब रवि दुबे, एडवोकेट उच्च न्यायालय दिल्ली अजय सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण कुमार, अभिषेक अवस्थी, एडवोकेट उच्च न्यायालय लखनऊ शिव सागर यादव, उच्च न्यायालय लखनऊ जयप्रकाश यादव, उच्च न्यायालय लखनऊ सलील तिवारी, लीगल जर्नलिस्ट डायनामाइट एजुकेशनल हब टीम द्वारा सिंह ज्योति रूपाली, शिवांगी पूजा, दीप्ति अवनीश, हर्ष सदफ, सुभानसी लखनऊ से आए लोगों ने समस्त लोगों को भारतीय स्टेट बैंक बिस्मा खुर्द तंबौर के शाखा प्रबंधक रामकिशोर यादव ने आए हुए सभी अतिथियों को कृष्ण भगवान की मूर्ति देकर सम्मानित किया। जिस अवसर पर पत्रकार बंधु हरेंद्र यादव, राजेश कुमार, राममोहन राजपूत, प्रेम दीक्षित, सतीश कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवी शंकर वाजपेयी के द्वारा झंडा फहराया गया और उसमें उपस्थित ग्राम पंचायत सकरन से प्रधान संतोषी देवी यादव, प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य हरगोविंद यादव, ग्राम पंचायत प्यारापुर प्रधान संतोष कुमार यादव, धनपुड़िया प्रधान प्रतिनिधि हरीश चंद्र मिश्रा, पूर्व प्रधान सेतुबंध यादव, पूर्व प्रधानाचार्य छोटेलाल वाजपेयी, विकास यादव, रांगेलाल भारती, छोटेलाल भारती, देशराज वर्मा, राजू यादव, राजकुमार यादव, भोंदू यादव, विजय कुमार, सतीश यादव, अर्चना यादव आदि लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समय दिया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सीतापुर से सतीश कुमार सिंह की रिपोर्ट।